नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं डीपी के यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किसी एंड्रॉयड फ़ोन को जो है आईफोन कैसे बना सकते हैं, यानी कि इसमें आप iOS 15 कैसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो मेरे पास फ़ोन है, ये है सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite, और आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो उसमें आप जो है ये यूज़ कर सकते हो, इसको जो है आईफोन बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे रख देता हूँ ताकि आप लोगों को सब सही सही दिखा सकूँ। तो वॉलपेपर आप लोगों को दिख रहा होगा ये iOS 15 वाले का ही है, और यहाँ पे वॉलपेपर तो मैंने जो है बाहर से डाउनलोड किया हुआ है जो कि आप लोगों को मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको भेज दूंगा। और इसी के साथ साथ आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ मिलती रहें। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले कुछ इंटरफेस आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा जो कि काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे एक चीज़ और खास बात ये देख लीजिए गाइज, यहाँ पे आपको जो है iOS का जो लाइब्रेरी है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी लग रही है गाइज। और ये आईफोन में ही है ये वाली लाइब्रेरी, हमें एंड्रॉयड फ़ोन में देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप इसको इन्जॉय करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको मैं सारी जानकारी अच्छे से बता सकूँ आगे भी। और यहाँ पे आप लोगों को मैं सही से बताऊँगा कि इसमें करना क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, और अगर आपका मन है इसको हटाने का तो उसको हटा भी सकते हो, और इसमें फ़ीचर्स क्या क्या हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो है जो फ़ीचर्स हैं वो iOS वाले ही हैं, सेम टू सेम, इसमें ज़्यादा फ़र्क दिख नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा इस जो है अपने iPhone 6s की तरफ, तो वहाँ पर भी आप लोगों को दिखा दूँगा इसकी जो है इसमें जो इसका इंटरफेस होता है कितना सिमिलर लग रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो है ऐप लाइब्रेरी वगैरह, तो यहाँ पे गाइस सारा कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब एक ऐसा भी नहीं है गाइस कि जो है इस फ़ोन में, यानी कि ये एंड्रॉयड फ़ोन है और इसमें हमने iOS लॉन्चर जो है लगा दिया है जिससे इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम देखने को मुझे नहीं मिल रहा है। और मैं इसको 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो 2 दिन से यूज़ करने वक्त दोस्तों मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और मैं काफ़ी अच्छे से इन्जॉय कर रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम नाम की दोस्तों कोई भी चीज़ मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली, चाहे मैं अपने iPhone 6s में यूज़ कर रहा था अभी तक, वो तो है ही गई 6s में, क्या iPhone में तो है ही लॉन्चर। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा दूंगा इसकी जो है सारा कुछ सेम टू सेम, जो होम स्क्रीन वगैरह होता है सारा कुछ जो है iOS की तरह ही है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे अगर आप गौर करोगे गाइस आइकॉन्स की तरफ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितने सिमिलर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो सफारी का गाइस जो लोगो दिख रहा है, ये एक्चुअल में सफारी नहीं है, ये जो है सैमसंग का जो खुद का ब्राउज़र है ये वो है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने हटा दिया, तो यहाँ पर ये देखिए गाइस जो है ये सैमसंग का है लॉन्चर है, और उसको मैंने हटा दिया है तो यहाँ पर जो है इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पर मैं फिर से उसको लगाना चाहूँगा अगर, तो फिर से लगा दूंगा, और ये साइज़ बड़ा है नहीं। यहाँ पे जो ऐप है उसको जब आप ओपन करोगे और यहाँ पे जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करोगे, रीलोड लॉन्चर पे जाओगे, यहाँ पे ओपन ओपन करोगे तो जो ओके करने के बाद जो है लॉन्चर आपका जो है यहाँ पे लग जाता है, कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो। ऐप का साइज़ ही बहुत कम है, छोटा सा साइज़ है गाइज। आप इसको गूगल प्ले स्टोर पर जो है डाउनलोड कर सकते हो, जिसका है iOS लॉन्चर, ये यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, और ये आपको प्ले स्टोर पर आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप जो है इसका एंजॉय करना चाहते हो तो जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज़। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बार बार हट जाता है, हट इसलिए जाता है गाइज़ क्योंकि मैंने इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ऑलवेज़ कर देता हूँ यहाँ पे गाइज़ इसको, और इसको ऑलवेज़ करने के लिए आपको यहाँ पर रीलोड लॉन्चर पर क्लिक करना है गाइज़ यहाँ पर, और ओके वाली बटन दबानी है, और यहाँ पर जब आएगा कि सिलेक्ट होम, यहाँ पर अगर आप ऑलवेज़ पे कर दोगे तो ये भी यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं अगर ऑलवेज कर देता हूँ तो यहाँ पे अब ये हटेगा नहीं, चाहे कुछ भी मैं करूँ तो कुछ भी नहीं होगा गाइज। तो यहाँ पे गाइज ये लॉन्चर बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे सैमसंग फ़ोन में काम कर रहा है, और आपको एकदम फील वही देता है गाइज जो आप अपने आईफोन को यूज़ कर रहे थे पहले, या फिर यूज़ करना चाहते तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्पीड की, तो स्पीड काफ़ी बढ़िया है गाइज, चाहे मेरे जैसे मेरे आईफोन में है वैसे ही स्पीड इसमें भी है, तो स्पीड के मामले में भी गाइज ये है बहुत ही बेहतरीन है, और कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली है इन 2 दिनों में। और अगर आप इसको जो है गाइस प्ले स्टोर पे चेक करते हो जाके, तो वहाँ पे इसकी जो डाउनलोड्स है वो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। और सबसे पहले आप लोग यही देख लीजिए कि इसके जो आइकॉन्स हैं वो सेम टू सेम गाइस जो है एप्पल की तरह ही दिख रहे हैं, और सारा कुछ जो है इंटरफेस जो है कस्टमाइज वगैरह और एनिमेशन वगैरह सारा कुछ जो है एप्पल की तरह ही है। प्ले स्टोर आपको दिख रहा है, ये आइकॉन्स आप सारे आपको जो है आईफोन वाले दिख रहे होंगे, लेकिन गाइज यहाँ पे जो है तो सब जो है एंड्रॉयड माल ही।
लेकिन ये ऐप अगर मैं बताऊँ कौन सा है, तो ये iOS 15 का जो है लॉन्चर है, इसको अपडेट करने के लिए भी मांग रहे थे, इसको अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ पे इसके डाउनलोड्स आप लोग देख सकते हो 10 मिलियंस है, मतलब कि दोस्तों 1 करोड़ लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ख़राब नहीं है। और यहाँ पे रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो 4.8 रेटिंग है, ये कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा रेटिंग है गाइस, 5 रेटिंग के आसपास एक तरीके से आप लोग मान सकते हो। तो ये ऐप काफ़ी बेहतरीन है आपके फ़ोन को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। आप इंजॉय कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन की तरह ही, देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है मुझे। सो आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और कल है दोस्तों संडे, तो संडे का Q&A मैंने पोस्ट डाल दिया, अपना सवाल पूछिए, मैं उसका जब भी जवाब अगली वीडियो में दे दूंगा। आप क्या माइंड में कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मैंने जो पोस्ट किया उस पर आप कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। सो गाइज मिलते हैं फिर किसी नए और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।